सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नगर निगम चुनाव की तारीखें जरूर बदल रही है, लेकिन प्रत्याशी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान तेज कर रखी है पूनम सिंह। वह क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हो रही है और लोगों को आश्वासन भी दे रही है कि अगर वो मेयर बनती है तो इन तमाम जो समस्या मिल रही है उसको दूर करेंगे। सबसे पहले हम पूनम सिंह से कि क्या समस्या है, कहाँ कहाँ घूमी आप? नमस्ते। निमिया और सुदना के बुधनडीहा क्षेत्र में क्या मिला यहाँ पर समस्या? यहाँ पर तो देखिए सबसे ज्यादा समस्या नाली और पानी का है। पानी का क्या आप दे रही हैं आसपास? देखिए यहाँ के निमिया के लोगों में भी बहुत ज्यादा आक्रोश है कि इधर क्षेत्र जो है सो ड्राई जोन है, पानी एक बूंद भी नहीं है, और अगर निगम द्वारा टैंकर भी आता है तो ऐसे लोगों के दरवाजा पर खड़ा होता है। उन लोग का मतलब आदेश है कि कमजोर वर्ग के दरवाजे पर टैंकर नहीं खड़ा होगा और उन लोग को पानी नहीं मिलता है, इसीलिए लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और लोगों को पता हो रहा है कि कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए लोग बहुत गुस्सा में हैं कि क्या सौंदर्यीकरण से हम लोग मतलब जिंदा रह सकते हैं? अगर मर ही जाएंगे तो सौंदर्यीकरण शहर का कौन काम का है? क्या मतलब मूलभूत समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया जा रहा है। मतलब हाँ, पानी आता भी है तो कमजोर वर्ग के दरवाजे पर टैंकर नहीं खड़ा होता है और ना पानी मिलता है। क्या आप आश्वासन दे रहे हैं? आज पहला प्राथमिकता मेरा पानी का रहेगा। पानी जी हाँ, लोगों को देंगे। क्या अभी आप मतलब जो है किस तरह का लोगों का मतलब रुझान मिल रहा है? बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है, बच्चे बूढ़े जितने भी हैं गार्जियन सबसे आशीर्वाद मिल रहा है कि पुराना चावल ही पंथ पड़ता है और पड़ेगा। हमारे साथ हैं इस क्षेत्र की क्या समस्या दिख रहा है? सबसे भारी समस्या यहाँ जल संकट है। जल संकट, हाँ, जल संकट का निवारण इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। जो भी प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आवे वो पहले पहल पानी की समस्या से। क्या अभी जो वर्तमान में उनसे कभी इस बात में आप लोग रखे कि पानी के समस्या? बात हम लोग सबसे रखे लेकिन कोई आश्वासन देते गए लेकिन कुछ मिला नहीं। क्या पानी आप मतलब यहाँ पर एकदम नहीं है? एकदम नहीं है, तो अभी से टैंकर हम लोग भरवाना शुरू कर दिए। टैंकर मंगवाना अभी? हाँ, अभी शुरू कर दिए। गर्मी शुरू भी नहीं हुआ? गर्मी शुरू भी नहीं हुआ है, पहले मार्च में लाता था टैंकर, अभी हम दिसंबर से लाना शुरू कर दिया। पानी से पैसे खरीदते हैं मतलब पैसे से पानी खरीद कर प्यास बुझा? हाँ, प्यास बुझा रहे हैं, पानी पैसा से खरीद कर। कोई समस्या का समाधान नहीं है, केवल यहाँ वोट के समय में लोग आएंगे और बहुत आश्वासन देते हैं लेकिन अभी तक कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ। चलिए, चुनाव है, लोग आते हैं, वायदे कर जाते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद वायदों पर खरा नहीं उतरते हैं। एक तरफ पूनम सिंह जी का कहना है कि शहर के सुंदरीकरण पर ध्यान दिया गया लेकिन जो मूलभूत समस्या है लोगों का उस पर ध्यान नहीं दिया गया। पानी, सड़क, नली, गली, इन तमाम चीजों पर ध्यान नहीं दी गई। और पानी आती भी है तो वैसे दरवाजे पर आती है जो दबंग है, बाकी लोगों के लिए पानी सुविधा नहीं मिलती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग पानी खरीद कर गर्मी आने से पहले पैसे से पानी खरीद कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। यहाँ के लोगों का निवासी का भी कहना है, सुदना पूर्वी का भी, कि वे लोग अभी से ही टैंकर मंगवा रहे हैं और पानी खरीद रहे हैं। और इन्होंने मतलब एक रिक्वेस्ट किया है कि जो भी प्रतिनिधि जीते वो सबसे ज्यादा अगर ध्यान दे तो पानी की तरफ दे, क्योंकि पानी एक मूलभूत जो समस्या है लोगों के लिए, जीवन जीने का साधन है, उनसे ये अछूते हैं, अभी तक उनको ये सुविधा नहीं मिली है।